हेलो दोस्तों, तो आज हम बिल्कुल अलग तरीके से मैगी बनाएंगे जिसका नाम है मैगी लज़ाने और ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और पॉपुलर इटालियन डिश है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये सुपर डिलिशियस एंड क्रीमी मैगी लसानिया बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है पैन और इसमें मैं डाल रही हूँ 3 टेबलस्पून मक्खन। और अगर आप ग्राम से देखेंगे तो आप तो समझ ही गए हैं ये आधा स्लैब मक्खन है यानी कि 50 ग्राम। जैसे ही मेल्ट हो जाएगा लो फ्लेम पे रखेंगे। इसमें मैं डालूंगी 3 टेबलस्पून ही मैदा, यानी कि जितना टेबलस्पून हमने बटर लिया है उतना ही टेबलस्पून हम लेंगे मैदा। और इन दोनों चीज़ों को बस टॉस करते जाएंगे लो मीडियम फ्लेम पे, इसको पकाते जाएंगे 4 से 5 मिनट के लिए या फिर जब तक इसका कच्चापन निकल ना जाए, नॉर्मली जैसे हम व्हाइट सॉस बनाते हैं। तो इसको लगातार भूनते जाएंगे लो फ्लेम पे। और फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा लगे कि इसमें बटर कम है तो यहाँ पे आप थोड़ा सा और बटर डाल सकते हैं या फिर 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून तेल भी डाल सकते हैं। बेसिकली इस मैदा को अभी हमें पकाना है और व्हाइट सॉस बनानी है। तो ये देखिए, मैंने भुना है इसको काफ़ी देर, 4 से 5 मिनट की, थोड़ा सा व्हाइट व्हाइट हो गया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका कच्चापन निकल गया है। तो इस स्टेज में मैं इसमें डालूंगी दूध। तो यहाँ पे टोटल दूध मैंने यूज़ किया है करीबन 1.5 से 2 कप, जो कि फ्रिज का दूध है। आप चाहें तो रूम टेम्परेचर का दूध भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गर्म दूध नहीं यूज़ करना है। और इसको लगातार विस्क करते जाएंगे और दूध इसमें ऐड करते जाएंगे, जैसे इसमें कोई भी लम्प्स ना रहे और कोई भी गाँठें नहीं पड़नी चाहिए। व्हाइट सॉस तो फ्रेंड्स आप सबको पता है कि आजकल कैसे बनाया जाता है। तो बस इसको लगातार विस्क करते जाएंगे और पकाते जाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए या फिर जब तक ये थोड़ी सी गाढ़ी होना ना स्टार्ट हो जाए। ये देखिए, सॉस थोड़ी सी गाढ़ी होना स्टार्ट ही हो गई है। तो इस वक्त हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून काली मिर्ची का पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स और 1/2 से 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ मिक्स्ड हर्ब सीजनिंग या फिर ओरिगानो। और इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और 1 और मिनट पकाएंगे। आप चाहें तो इस वक्त इसमें ग्रेटेड चीज़ भी डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि फ्रेंड्स हम लज़ाने बनाने जा रहे हैं तो आगे हम सारी चीज़ों को लेयर करेंगे। आप देख सकते हैं कितनी सुपर क्रीमी व्हाइट सॉस तैयार होगी। बस इसको ओवर कुक नहीं करना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, इसको हम बाद में वैसे भी प्रोसेस करने वाले हैं, तो इसको साइड में रख देंगे। नेक्स्ट, एक पैन में मैंने लिया है 2 टेबलस्पून तेल, आप चाहें तो मक्खन भी ले सकते हैं। और इसमें मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, आप चाहें तो फाइनली चॉप गार्लिक और फाइनली चॉप जिंजर भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि अदरक लहसुन थोड़ा सा दरदरा काट के भी डालेंगे तो भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। और इसको भूनेंगे 30 से 40 सेकंड के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं। और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 प्याज ऐसे बारीक कटा हुआ, इसको भी मिक्स करके ऐसे भूनते जाएंगे। नॉर्मली जैसे हम मैगी बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। बेसिकली हम अभी मसाला मैगी बनाने जा रहे हैं, तो आप जिस भी स्टाइल से मसाला मैगी बनाते हैं आप बना सकते हैं। तो प्याज को ओवर कुक नहीं करेंगे, 3 से 4 मिनट के लिए मैंने फ्राई किया। और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ कैप्सिकम। तो यहाँ पे मैं सारे 3 कलर के कैप्सिकम डाल रही हूँ कि बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि हम लज़ानिया बनाने जा रहे हैं ना फ्रेंड्स। लज़ानिया एक्चुअली एक टाइप का इटालियन डिश होता है जिसमें लेयर्स होते हैं सारे वेजिटेबल्स की, रेड सॉस की, वाइट सॉस की और पास्ता शीट्स की, यानी कि लज़ानिया के शीट्स की, जिसके बदले हम आज यूज़ कर रहे हैं मैगी। तो नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी गाजर, थोड़े से मशरूम्स कटे हुए, थोड़े से बॉइल्ड कॉर्न्स मैं यूज़ कर रही हूँ। आपको जो वेजिटेबल्स पसंद हो आप डाल सकते हैं, आप चाहें तो चिकन भी डाल सकते हैं, इसमें बीन्स भी डाल सकते हैं। बेसिकली हमको काफ़ी सारी वेजिटेबल्स चाहिए होती है लज़ानिया बनाने के लिए, जिसका एक लेयर बनाया जाता है बेसिकली। लेकिन आज हम ये सारी वेजिटेबल्स मैगी के साथ ही बना लेंगे और रेड सॉस भी इसी में बना लेंगे, तो हमारा काम एकदम झटपट हो जाएगा। तो इसको टॉस करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, पर ध्यान रखिएगा कि इसको ओवर कुक भी नहीं करना है क्योंकि हम आगे इसको बेक भी करने वाले हैं। तो ये देखिए, वेजिटेबल्स काफ़ी कुक हो गई है। तो इस वक्त मैं इसमें डाल दूंगी टोमेटो प्यूरे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे पास घर में आधा पैकेट पड़ा था टोमेटो प्यूरे का, तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो बेसिकली 3 से 4 टमाटर कच्चे टमाटर ही आप सिंपली मिक्सी में प्यूरे करके ऐड कर सकते हैं। बट इन दैट केस बस आपको ये है कि उसको थोड़ा सा आपको ज़्यादा पकाना पड़ेगा, और अच्छे से कलर के लिए आप उसमें डाल सकते हैं कश्मीरी रेड चिली पाउडर इस स्टेज में। तो इसको पकाते जाएंगे 1 से 2 मिनट के लिए, पर अगर आप कच्चा यूज़ करें तो थोड़ा ज़्यादा देर पकाइएगा, बस उतना ही डिफरेंस है। 2 मिनट के लिए भून लेंगे सारे वेजिटेबल्स के साथ। और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून काली मिर्ची पाउडर, थोड़े से मिक्स्ड हर्ब सीजनिंग, थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स और थोड़े से ओरिगैनो। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके 1 और मिनट के लिए पकाएंगे।
फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 2 से 3 टेबलस्पून भर के टोमेटो केचप यानी कि सॉस। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और उसके साथ ही सारे फ्लेवर्स को टेस्ट को बैलेंस करने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ बस 1 टीस्पून शुगर और इसको भी मिक्स करके पकाएंगे। फिर मैं इसमें यूज कर रही हूँ 2 कप पानी। तो फ्रेंड्स 2 कप पानी मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैगी मैं यूज़ करने वाली हूँ यहाँ पे 3 पैकेट्स एंड इसमें काफ़ी सारा बेस भी है, काफ़ी ग्रेवी भी है, तो इसकी वजह से 3 पैकेट आसानी से पक जाएंगे। बहुत ज़्यादा पानी हमें इसमें नहीं डालना है वरना मैगी एकदम नरम नरम हो जाएगी और आगे जब हम उसको प्रोसेस करेंगे ना, मतलब बेक करेंगे, तो एकदम चिपचिपी हो जाएगी, तो वैसा हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो इस वक्त हम इसमें डाल देंगे मैगी। तो नॉर्मल मैगी जो मसाला मैगी हम यूज़ करते हैं वो 3 पैकेट्स मैगी डाल दीजिए तोड़ के और फिर इसको मिक्स करेंगे। और साथ ही मैं डाल रही हूँ सारे सैशे भी मैगी मसाला के, टेस्ट मेकर भी डाल दीजिए इसमें और इसे भी मिक्स करके पकाएंगे बस 2 से 3 मिनट के लिए। फ्रेंड्स आप चाहें तो उसको ढक के पका सकते हैं लेकिन क्या होगा ना, बहुत ओवर कुक हो सकती है मैगी इन दैट केस। आप इसको खुला ही पकाएंगे ना तो भी ये 2 से 3 मिनट में आसानी से पक जाती है और अगर मान लीजिए हल्की सी कसर भी बाकी होगी ना तो वो बेक हो जाएगी बाद में, क्योंकि मैगी को पकने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो ये देखिए मैंने टोटल बाय द क्लॉक इसको 3 मिनट 3 साढ़े 3 मिनट पकाए। ये देखिए मैगी अच्छे से पक गई, आपको लग रहा है ना अच्छे से पक गई। तो बस ओवर कुक नहीं करेंगे, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब सारे लेयर्स करने की तैयारी करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है ये स्क्वायर बेकिंग डिश। आप चाहें तो कोई भी केक टिन भी यूज कर सकते हैं। इसको अच्छे से ब्रश कर लेंगे चारों तरफ से बटर के साथ। और फिर इसमें एक थिक लेयर लगा लेंगे मैगी मसाला की। लग रही है ना बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। देखा आपने सारी वेजिटेबल्स, रेड सॉस, टोमेटो सॉस, टोमेटो प्यूरे, मैगी, सारी चीज़ें एक फर्स्ट लेयर में ही आ गई। तो एक अच्छा सा थिक लेयर बना लीजिए। तो बेसिकली हमारा पहला लेयर विथ वेजिटेबल्स एंड सॉस तैयार है। फिर हम इसके ऊपर डालेंगे पतली से लेयर व्हाइट सॉस की, सुपर अमेजिंग एंड क्रीमी, देख के मज़ा आ गया। इसको भी अच्छे से स्प्रेड आउट कर लेंगे, एक पतला सा लेयर बना लेंगे। तो अब अपने हिसाब से, अपने डिश के हिसाब से, अगर आप केक टिन यूज कर रहे हैं तो जितने लेयर्स आपको बनाना है आप बना सकते हैं। फिर मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ प्रोसेस चीज थोड़ा सा चारों तरफ से। और साथ ही मैं यूज कर रही हूँ थोड़ी सी मोजरेला चीज भी। और फिर हम एक और लेयर लगा देंगे मसाला मैगी की। इसको स्प्रेड आउट कर लेंगे एंड देन फाइनली इसको फिर से टॉप अप कर देंगे व्हाइट सॉस के साथ। ओह माय गॉड, ऐसा लग रहा है अभी से ही खा लिया जाए इसको। और ये इवन आउट हो जाएगी तो इसके ऊपर फिर से डाल देंगे थोड़ी सी और प्रोसेस चीज एंड मोजरेला चीज़ या मिक्स चीज़, जो सारी चीज़ आपको पसंद है ना दुनिया में, वो सारी चीज़ें आप ग्रेट करके, चीज़ेस मतलब ग्रेट करके यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर ऊपर से हम डाल देंगे थोड़े से मिक्स्ड हर्ब और रेड चिली फ्लेक्स। तो ये देखिए हमारी डिश तैयार हो गई है। अब हमें क्या करना है, इसको बेक करना है। तो बेक करेंगे हम प्री हीटेड ओवन में, क्योंकि ये डिश जो है ना फ्रेंड्स ओवन में बहुत अच्छे से बेक होती है, इसलिए आज मैं ओवन यूज़ कर रही हूँ। तो इसको प्री हीटेड ओवन में बेक करेंगे 180 डिग्री सेल्सियस या फिर 200 डिग्री सेल्सियस तक के 15 से 20 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये बढ़िया से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, चीज़ ऊपर की मेल्ट ना हो जाए और अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। तो करीबन 20 से 25 मिनट के बाद आप देख सकते हैं सुपर्ब, क्या परफेक्टली बेक डिश निकली है। ऊपर से अच्छा सा कलर आ गया है, बिल्कुल जैसे आना चाहिए, हर्ब्स दिख रहे हैं और बहुत अच्छे से बेक हुई है, चीज़ भी मेल्ट हो गई। लेकिन इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्म है फ्रेंड्स, तो 5 मिनट रुक के इसको काटेगा। और अगर आपको चाहिए तो आप इसको कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं। उसका प्रोसीजर आप कोई भी मेरे केक वाले वीडियो में देख सकते हैं। नॉर्मली जैसे हम केक बेक करते हैं ना कढ़ाई में, बिल्कुल आप वही प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। तो बस मैं आपको एक काट के दिखाती हूँ पीस।
बिल्कुल परफेक्ट पीस निकला है। वैसे तो एक्चुअली बहुत गर्म है, लेकिन अगर आप रोकेंगे ना तो एकदम और भी अच्छे से स्लाइसेस निकलेंगे इसके। ये देखिए मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ डिश आउट करके। ओ माय गॉड, मैं तो रुक नहीं पा रही हूँ, इतनी क्रीमी और इतनी अच्छी बनती है ना फ्रेंड्स ये डिश। आप अपने बच्चों के लिए तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उनको बहुत ज़्यादा खुशी होगी। ओ माय गॉड, इट्स टू डाई फॉर। परफेक्टली सारे मसाले, हर्ब्स, चीज, टोमेटो सॉस, टैंगी, स्पाइसी, सुपर फ्लेवरफुल। तो फ्रेंड्स इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। फेस्टिव सीजन आ रहा है, बहुत सारे पार्टीज होती है, क्रिसमस आ रहा है, बच्चों के लिए आप ट्राई कर सकते हैं, ज़रूर ट्राई करके बताइएगा। ओके, मैं आपसे मिलती हूँ, बाय बाय।